उम्र के 100 साल पार कर चुके सियाराम बाबा आज भी बगैर किसी चश्मे के पढ़ते हैं रामायण। कड़ाके की ठंड के बावजूद बाबा के तन पर सिर्फ होती है लंगोट। खरगोन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर कसरावत विकास खंड के भट्टियान गांव में नर्मदा किनारे सियाराम बाबा का आश्रम है। संत सियाराम बाबा श्रद्धालुओं को 10 रुपए से ज्यादा नहीं चढ़ाने देते। धर्मशाला और मंदिरों के लिए करोड़ों के कर चुके हैं दान। बाबा के आश्रम के पास रोजाना लगता है मेला। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए। 1955 में बाबा इस गांव में आए थे। बाबा के सरल और दयालु प्रवृत्ति के चलते ग्रामीणों ने उनके लिए एक छोटा सा कमरा बनाया। नर्मदा किनारे आश्रम में रहने वाले सियाराम बाबा की उम्र लगभग 100 बरस हो गई है, लेकिन वे 24 घंटे में से करीब 21 घंटे बगैर चश्मे के रामायण पढ़ रहे हैं। तन पर कपड़े के नाम पर केवल एक लंगोट होती है। ठंड हो, कड़ाके की बरसात हो या फिर भीषण गर्मी, बाबा लंगोट के अलावा कुछ धारण नहीं करते। साधारण से कमरे में निवास करने वाले संत सियाराम बाबा के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से श्रद्धालु आते हैं। एक खास बात यह है कि बाबा किसी से 10 रुपए से अधिक का दान नहीं लेते हैं। यदि इससे अधिक कोई श्रद्धालु राशि देता है तो 10 रुपए काट कर उन्हें वापस लौटा देते हैं। सियाराम बाबा के आश्रम में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का हमेशा तांता लगा रहता है। इसके चलते आश्रम के पास मैदान में हमेशा मेला लगता है। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, कसरावत। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।